अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्प आया है। इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए सिंपली आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो एक फाइल मिल जाएगी इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे और एक फाइल को ले लेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भाई लोग आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इस फाइल को लेते हैं, फिर आगे का जो प्रोसेस है हम आपको बताते हैं। तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपके पास लाता रहता हूँ। जैसा कि मेरा फाइल इंपोर्ट हो रहा है, देख सकते हैं। अब जो मेरा फाइल है इंपोर्ट हो चुका है कुछ इस तरह से। अब इसको दो उंगलियों की मदद से जूम कर लेना है। जब आप इसको जूम कर लेंगे तो आपको एडिटिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। देख सकते हैं मैंने जूम कर लिया। अब आपको यहाँ पर जो ब्लैक कलर का पट्टी दिखाई दे रही है, इस पर आपको अपना फ़ोटो को लगाना है। तो मैंने डेमो देने के लिए कुछ फ़ोटो को डाउनलोड करके रखा है, उसी फ़ोटो को मैं लगाऊंगा। चलिए लगाते हैं, फिर आगे का जो प्रोसेस है आपको बताते हैं। यानी आपको इस फ़ोटो को लगाने के लिए इस फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। रिप्लेस का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, इस पर कर देना है क्लिक। जहाँ पर आपका फ़ोटो है वहाँ पर जाना है और वहाँ से फ़ोटो को लगाना है। जैसे कि ये मेरा फ़ोटो एक मैं लगा रहा हूँ, इसको लगा दिया। अब इसी तरह दूसरे पे आ जाएंगे, यहाँ पर भी इसी तरह इस पर भी फ़ोटो को लगा देना है। रिप्लेस पर जाकर फ़ोटो को यहाँ से लगा देना है। चलिए जल्दी जल्दी लगाते हैं और इसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं, नहीं तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे और बीच में छोड़कर ही चले जाएंगे। जैसा देख सकते हैं मैंने फ़ोटो को सभी पर रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद आप देखिए कि कौन सा फ़ोटो एडजस्टमेंट नहीं है। जो फ़ोटो एडजस्टमेंट नहीं है उसको एडजस्टमेंट करना। चलिए देखते हैं, ये मेरा फ़ोटो एडजस्टमेंट है, ये भी मेरा फ़ोटो एडजस्टमेंट है। अब इसके बाद तीसरे पे आ जाएंगे, ये देख सकते हैं फ़ोटो एडजस्टमेंट नहीं है। तो पैन एंड जूम पर जाकर आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद इस पर भी आएंगे और आपको इस फ़ोटो को एडजस्टमेंट कर लेना कुछ इस तरह से। अगर फ़ोटो एडजस्टमेंट रहेगा तो आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है। चलिए इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर आगे का जो प्रोसेस है हम आपको बताते हैं कि आप अगले प्रोसेस में आप क्या करेंगे। चलिए जल्दी कर लेते हैं। ये मेरा जैसा कि फ़ोटो एडजस्टमेंट करीब करीब हो गया है, सब फ़ोटो एडजस्टमेंट हो गया है। ये मेरा लास्ट फ़ोटो है, इसको भी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। एडजस्टमेंट कर लिया। इसके बाद गाइज देख सकते हैं सभी फ़ोटो मेरा एडजस्टमेंट हो गया है। अब इसके बाद आपको एक बैकग्राउंड को यहाँ से लेना है, सॉरी गाइज। इसके बाद आपको एक बॉर्डर को लेना है। बॉर्डर लेने के लिए सिंपली लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ से आपको एक बॉर्डर को ले लेना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भाई लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए लेते हैं, फिर आगे का जो प्रोसेस है हम आपको बताते हैं। जैसा कि मैंने बॉर्डर को ले लिया, अब स्प्लिट स्क्रीन पर जाकर यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेंगे। इसके बाद गाइज ये देख सकते हैं हमारा बॉर्डर यहीं तक है। अब इसको फैला कर लास्ट तक कर देना। चलिए करते हैं, फिर आगे का जो प्रोसेस है हम आपको बताते हैं। कुछ इस तरह से फैला कर अंत तक कर देंगे। देखिए अभी हो गया, मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अब इसको सेव करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से वीडियो कर लेना है सेव यहाँ से सिंपली। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।